इसमें गियर लगते हैं प्लेट में, इसे कैसे फिटिंग करना है मैं आगे वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा। और ये रबर जो मरघाट की यहाँ पे लगती है ये भी खराब हुई थी, और एक्सल में जो बोल्ट लगा हुआ था वो लगा हुआ था 17 नंबर का, जबकि ये नहीं लगा हुआ था। इसमें काफी ज्यादा वाइसर लगा के इसे टाइट कर दिया था, ये देखो 5-5 वाइसर लगाया था। चलो ये बोल्ट को भी चेंज करना पड़ेगा, वो भी मैं चेंज कर दूंगा, आप लोग वीडियो को देखो। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल टेक्नोज बाइक व्लॉग। मेरा नाम है इम्तियाज, होप करता हूँ सारे भाई बढ़िया होंगे, मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। वीडियो को कर दो लाइक और चैनल को कर दो सब्सक्राइब। आज मेरे पास होंडा की ड्रीम योगा 110 सीसी बाइक, और इस बाइक में प्रॉब्लम है स्पीड मीटर की, जो इसका स्पीड मीटर है वो नहीं चल रहा है, ये वाली जो सुई है नहीं चल रही है, तो इसी को रिपेयर करेंगे, इसी को सही करना है। आप लोगों को पूरी जानकारी देंगे, आप लोग वीडियो पे बने रहना। तो सबसे पहले इसका जो व्हील है, व्हील में घुमा के दिखा देता हूँ, देखो मीटर नहीं चल रहा है, ये सुई एक जरा से भी ऊपर नहीं उठ रही, तो इसी मीटर को हमको बनाना है, रिपेयर करना है, इसको चालू करना है। चलो आप लोग इसी तरह देखो और समझते जाना कि मैं किस तरीके से क्या क्या चेक कर रहा हूँ। तो अभी सबसे पहले हमको यहाँ पे निकालना पड़ेगा जो वायर है, ये केबल, ये केबल को यहाँ से लॉक से निकाल के और इसे खींच के बाहर निकाल लेना है। ये वायर जो केबल है निकल जाएगी, इसके अंदर वायर होती है। अभी ये जो वायर है इसको इस तरीके से मैं घुमाऊंगा, इस तरीके से मैं घुमाऊंगा, और मीटर पे ध्यान देना, इसकी जो सुई है सुई ऊपर नीचे होने लगेगी। ये देखो हो रही है ऊपर नीचे, मैं उधर से वायर को घुमा रहा हूँ, ये वायर को मैं घुमा रहा था तो सुई ऊपर नीचे हो रही थी। इसका मतलब ये है कि ये वायर कहीं से भी टूटी नहीं है, अगर ये वायर टूटी होती तो मीटर की सुई नहीं हिलती। इससे हमको ये पता चल गया कि हमारी जो केबल है, केबल में कोई प्रॉब्लम नहीं, केबल बिल्कुल सही है। इसका जो गियर है, गियर में प्रॉब्लम है। व्हील को घुमाते हैं, इसमें गियर लगे होते हैं प्लेट में, और ये देखो गियर नहीं घूम रहा है, जिसके अंदर गियर लगा होता है वो गियर नहीं घूम रहा है। इसका जो गियर है खोलना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा। चलो इसका जो व्हील है, व्हील हमको खोलना पड़ेगा, चलो व्हील को खोल लेते हैं और जो कमी है वो दिखाते हैं आप लोगों को। मैंने इसका जो व्हील है कंप्लीट खोल दिया है, और यहाँ पे हमारा मीटर वर्म लगा होता है, मीटर गियर गरारी, ये इस प्लेट में, ब्रेक शू वाली प्लेट में, तो ये नहीं घूम रही है। ये देखो मैं घुमा रहा हूँ तो जो गियर दोनों घूमना चाहिए वो नहीं घूम रहे हैं, तो इस प्लेट को मैं पूरी बाहर निकाल लेता हूँ। जो कॉम्बी ब्रेक है खोल के इस प्लेट को पूरी बाहर निकालते हैं, तो मैंने पूरी प्लेट को निकाल लिया बाहर, ताकि आप लोगों को ज़्यादा अच्छे से दिखे और ज़्यादा अच्छे से आप लोग समझ पाओ। तो पहले तो ये गियर मैं निकाल लेता हूँ। अब ये गियर में देखो ये है कटा हुआ है, एक साइड से कटा हुआ और एक साइड से सही है। अभी ये वाले को देखते हैं, तो ये वाला जो है, चलो इसे निकाल के देखना पड़ेगा, काफ़ी ज़्यादा इसके अंदर जो है ब्लैक कलर की ग्रीस भर चुकी है, तो इसे निकाल लेते हैं। निकालने का सिंपल सा ट्रिक है, इस तरीके से स्क्रूड्राइवर को फंसाना और प्लास से इस तरीके से चोट मारना है, बाहर की साइड में निकालना है। तो इस, चलो इसे निकल गया, ये हो गया बाहर। तो ये काफ़ी ज़्यादा कटा हुआ है ये, तो भी दोनों हमको चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि एक नहीं आता है, दोनों गियर आते हैं एक साथ। तभी ये प्लेट को पूरा क्लीन कर लेते हैं, जितनी भी ग्रीस लगी हुई सारी निकाल के ये नया मीटर गियर फिटिंग करते हैं। तभी मैंने इस प्लेट को क्लीन कर लिया है। अब ये जो गियर है, गियर को मैं निकालता हूँ, पन्नी से बाहर करता हूँ। ये होंडा का ओरिजिनल स्पीडोमीटर गियर सेट है, होंडा का ओरिजिनल, और ये होंडा का बहुत सारी बाइकों में लग जाता है ये गियर। तो ये होंडा साइन में भी लग जाता है, ड्रीम योगा में भी लग जाता है, स्प्लेंडर, पैशन, HF डिलक्स, काफ़ी सारी बाइकों में ये गियर सेट हो जाता है, लग जाता है। पहले तो हमको जो लंबा वाला है गियर उसे लगाना है, फिर उसके बाद गोला वाला गियर लगाना है। तो पहले इसमें ग्रीस लगाना पड़ेगा, चलो ग्रीस लगा लेते हैं। इस तरीके से ग्रीस भर लेना है, पूरे गियर में लगा देना है, ग्रीस लगाना बहुत ज़रूरी है, सूखा ये चलेगा तो फिर जल्दी ख़राब हो जाएगा। तो ग्रीस से सॉफ्ट चलने लगता है, यहाँ पे बैठेगा ये, इस तरीके से डालना है। और अब लेना है स्क्रू ड्राइवर पतला वाला, इसके ऊपर रख के इसे अंदर की साइड में लेके जाना, और एक होल होगा जो इसके जस्ट सामने, उसमें बैठ जाएगा। नहीं बैठ रहा तो थोड़ा सा इसे नीचे की तरफ कर देंगे ये, और इधर से अब करते हैं तो ये अभी बैठ गया, देखो बैठ गया, घुमा के चेक कर लेना। फिर ये, अब ये वाला जो लॉक है इसे लगाना है, इसमें उल्टा सीधा नहीं होता, काफ़ी सारी बाइकों में मैंने बताया है, और इसे पंच करना है, 8 की T लगाना और पंच करना, वो लॉक को अंदर तक लेके जाना है, ये देखो पूरा बैठा देना है अंदर तक। अभी ये हमारा हो गया, और इसे चेक करते हैं घुमा के, ये बिल्कुल सही है, घूम रहा है। बड़ा वाला गियर में ग्रीस लगाते हैं, और इसमें ग्रीस लगा लेना, इसमें भी ग्रीस लगती है, और यहाँ पे भी लगा लेना बीच में, क्योंकि ये घूमता है, और इसे यहाँ पे बस सिले में बिठा देना ये,
अब इसे घुमा के ये देख लेना है कि दोनों घूम रहे हैं गियर या नहीं घूम रहे हैं। तभी तो मैं देख रहा हूँ तो दोनों गियर घूम रहे हैं। चलो ये बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। अब बढ़ते हैं इसके दूसरा जो काम है वो देखते हैं कि ये कंप्लीट हो गया है और व्हील को फिटिंग कर लेते हैं पहले। चलो व्हील को फिटिंग कर लेते हैं। व्हील मैंने फिटिंग कर लिया है। इसका बोल्ट जो एक्सल का है वो नहीं लगाया, कॉम्बी ब्रेक वगैरह अभी कुछ भी नहीं लगाया, क्योंकि मुझे एक चीज़ दिखाना आप लोगों को, ये 17 नंबर का बोल्ट जो इसमें लगा हुआ था मैंने खोला था, पर इसमें जो लगा होता है वो ना इस नंबर का बोल्ट लगा होता है, नट लगा होता है। तो अभी इसमें वाइसर भी लगे थे, देखो कितने वाइसर हैं, देख लो 2 4 5 5 वाइसर और ये बोल्ट जो इसके एक्सल में लगे हुए थे। तो अभी मुझे इसे चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि जो इसमें बोल्ट होता है वो होता है 19 नंबर का बोल्ट। तो ये है 19 नंबर का बोल्ट जो इसी बाइक का है, तो इसे मैं इसमें लगा के और इसे कंप्लीट कर लेता हूँ टाइट। और जिसकी ब्रेक वगैरह है वो सारा कुछ लगा लेते हैं, जो क्योंकि इसमें कॉम्बी ब्रेक है वो सारी एडजस्ट करना पड़ेगा क्योंकि उसमें टाइम लगता है। तो दोनों ब्रेक को एडजस्ट करते हैं और ये रबर जो है यहाँ पे लगती है तीनों केबल के बीच से मरगार्ड में, तो ये रबर को भी यहाँ से हम लगा लेंगे क्योंकि इसमें रबर नहीं थी। बाकी सारा कुछ फिटिंग कर लेते हैं। चलो तो मैंने इसका जो कॉम्बी ब्रेक है वो लगा दिया, बोल्ट जो था 19 mm का वो भी हमने लगा दिया। अब देखने में भी काफ़ी अच्छा दिख रहा है, ये पहले लगा हुआ था काफ़ी बेकार दिख रहा था यार, इसमें 5-5 वाइसर थे, बहुत ज़्यादा ख़राब दिख रहा था। बोल्ट 20 रुपये का है और रबर जो है 10 रुपये की है। बाकी इसका गियर देखो अब चेक कर लेते जिस पे हम काम कर रहे थे। देखो घूम रहा है, अंदर का गियर घूम रहा है, इसका मतलब ये है कि अभी जो हमारा मीटर है 100% चालू हो जाएगा। तो केबल को बस फंसा देना है। अब मैं इसका जो केबल फंस गई है व्हील को घुमा के और मीटर दिखाते हैं। व्हील घूम रहा है और मीटर देखो चल रहा है। देखो जैसे जैसे व्हील डाउन हो रहा है वैसे वैसे मीटर की सुई भी डाउन हो रही है। देखो एक बार वापस से घुमाते हैं। चलो ये मैंने व्हील घुमाया और ये मीटर देखो चलने लगा। मीटर की जो सुई बंद थी वो चलने लगी है। इसमें स्पीड मीटर की प्रॉब्लम थी, वो प्रॉब्लम हो गई है सॉल्व। और सॉल्व कैसे हुए, इसका जो गियर था वो हमको चेंज करना पड़ा। बाकी चेक वगैरह कैसे करना है वो तो मैंने आप लोगों को जानकारी दी सारी। और ये गियर की पन्नी है जो काफ़ी ज़्यादा बाइकों में लग जाता है, ये गियर मैंने आप लोगों को बताया भी है। चलो ये वीडियो करते हैं एंड। वीडियो अच्छी लगी है तो आप लोग मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताना, और अभी तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना, और मेरे चैनल पर ना हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना।